चेत गोविंद आराध्य चेत गोविंद आराध्य चेत गोविंद रवया बिच
चितना आवई। कितड़ा दुख गणा, कितड़ा दुख गणा, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य, हो अनंत गण, होवे अनंत गण, चेत गोविंद आराध्य, चेत गोविंद आराध्य। हर दर्शन को मन लोचदा, हर दर्शन को मन लोचदा, हर दर्शन को मन लोचदा, 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 हर दर्शन को मन लोचदा, हर दर्शन को मन लोचदा, हर दर्शन को मन लोचदा, मन लोचदा, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, जिनी रावया सो प्रभु, जिनी रावया, जिनी रावया सो प्रभु, जिनी रावया सो प्रभु, तिन्ना भाग मना, तिन्ना भाग मना, हर दर्शन को मन लोचदा, हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना, नानक प्यास मना, चेत मिलाए सो प्रभु, चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा, तिसके पाए लगा, चेत मिलाए सो प्रभु, चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा, तिसके पाए लगा, चेत मिलाए सो प्रभु, चेत मिलाए सो प्रभु, सो प्रभु, सो प्रभु, चेत मिलाए। महीने नो जो राग माज महला पंजमा कर चौथा, बारह माह राग माज विच जो अंकित किया है पंजवें पातशाह जी ने, आप जी ने इस महीने का शब्द कीर्तन रूप विच सरवण किया है। पहलों पढ़िया शब्द
रखिया करो गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार। बेंती रूप शब्द हे प्रभु मेरी रखिया कर, मेरी रखिया कर, क्योंकि मैनू तेरे नाम का ही आधार है, तेरे नाम की ही टेक है, तेरे नाम का ही आसरा है, तेरे नाम ते ही भरोसा है। क्योंकि मैं सुनया है तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रखिया करो गुसाई मेरे, ऐ मेरे प्रभु प्रीतम मेरी रखिया कर। अनेकां शब्द मिलते हैं, पातशाह कहिंदे राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे, खेद करहें और बहुत संताव है, आयो शरण तुहारे। पंजवें पातशाह जी की लिखत है। तो इसी गल की तर्जमानी करते हुए बाबा जी शेख फरीद जी लिखते हैं, पातशाह कहिंदे मेरी जीव आत्मा इकली है, जिमें आत्मा अपना सफ़र करती है, शरीर किते होर पासे भज्या फिरदा है, मन ज्ञान इंद्रियां नूं अपने वस विच करके शरीर तो सारे पुठे सीधे काम करवाउंदा है, आत्मा दूषित हुंदी है, आत्मा दे सफ़र विच विघन पैंदा है, ते आत्मा फिर रोंदी है, आत्मा कुरलाउंदी है, आत्मा बेनती अरदास करती है, हे प्रभु मैं कली हाँ, पर मैनू विकार जड़े चंबड़ गए हैं, वह पांच विकार चंबड़े हैं, विकार हैं शरीर दे। राख पिता प्रभ मेरे, हे मेरे प्रभु पिता जी मेरी रखिया करो। वे की रखिया करिए, कहिंदे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, मेरे विच सारे अवगुण तेरे विच सारे गुण। हुण अगे जो मुश्किल है जो आपदा है उसका जिक्र करदे पातशाह कहिंदे पंच बिखादी भाव पंज चोर ठग तंग करन वाले, पंच बिखादी एक गरीबा, अजीव आत्मा कली है, इहनू पंज तंग करन वाले चोर ठग चिंबड़ गए हैं। पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे, बई ये तेनू की कहते हैं, ठीक है तू कली है, ये पंज हैं तेरा की नुकसान करते हैं, कहते खेद करह और बहुत संताव है, ये नहीं क्या सताते हैं, कहते बहुत सताते हैं, ये मैनू अपने सफर से चलन ही नहीं देंदे, मैं शब्द तो विछड़ी हाँ, ते शब्द तक जदों तक मेरी समाई ना होई मेरा सफर जन्म दर जन्म ये चलेगा, पता नहीं कितने जन्म होर लेने पैणगे, मैं इकली हाँ, ये मैनू बहुत तंग करते हैं पंज विकार। तो बाबा फरीद जी कहिंदे इसी विचार नूं होर अगे वधाउंदे होए, बाबा जी कहिंदे सरवर पंखी हेकड़ो, फरीद साहब कहिंदे सरवर सरोवर, सरोवर ते पंछी बहिंदा है आके, हो सकदा मच्छी खाण वास्ते आउंदा होवे, दाणे चुगण आउंदा होवे, सरोवर दे किनारे ते बैठे हुए शिकारी पंजा हन, ये विकार पंज हन पर वह शिकारी पंजा, पंछी आउंदा है चोगा चुगण ते जाल पाके पंजा शिकारी बैठे हैं। फरीद साहब कहिंदे सरवर पंखी हेकड़ो, पंखी एक है ते फाहीवाल पचास, फाहीवाल शिकारी फाह पाण वाले जाल बिछा के बैठे हैं, सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल पचास, एहो तन लहरी गड थेया सच्चे तेरी आस। बिल्कुल इन भिन्न शब्द है, उधर पातशाह कहिंदे राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, उधर जरा शब्द गायन किया कहिंदे रखिया करो गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार, इत्थे फरीद साहब कहिंदे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास,
यह तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस वी हे प्रभु तेरी ही आस है तेरे नाम का ही आधार है क्योंकि तेरा नाम ही संसार में उतारदा है। वेखो असी सारे जिथे बैठे हैं ना इतने सारे कोई शरीरक तौर पर बीमार कोई राजनीतिक तौर पर दुखी कोई समाजिक तौर पर दुखी कोई परिवारक तौर पर दुखी तो अलग अलग तरह दियां जो प्रॉब्लम्स अजकल हैं असी सारियां मुश्किलां लैके गुरु की हजूरी च आईए मन की गल करिए क्योंकि पहलों तो असी सारे डॉक्टरों वल भजदे हाँ पर एक समा वो आउंदा है डॉक्टर भी हाथ खड़े कर जाते हैं फिर सानू रब चेते आउंदा फिर असी भजदे हाँ रब वल क्योंकि हर एक गल हर एक नूं नहीं दस सकते कोई राजदार चाहिदा है तुहाडा कोई हम नवा चाहिदा है हम सफर चाहिदा है हम राज चाहिदा है जिहदे नाल तुसी दिल दे राज हम राज दिल दे नाल शेयर कर सकते हो अपनी गल दिल दी कर सकते हो पर डर है वो गल कोई अगे किते कर ना दे जितनी देर तक तुहाडा राज तुहाडे तक महफूज है उदों तक बेफिक्री है जदों ही राज तुसी किसे नूं दस्या तुसी फिर उसके गुलाम बन जाते हो भी ये कितने दस ना दे फिर तुसी डरना शुरू कर देंगे हो। पातशाह कहिंदे जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर तेरे मन विच कोई गल है कोई दुबदा है तेनू परेशानी है तू रब अगे गल कर क्यों इधर उधर जाऊंदा है जी की बिरथा होए सो गुर पह अरदास कर। हाँ अरदास करन दा ढंग की है छोड़ सियाणप सगल ये सियाणप ये चतुराइयां छड़ के चतुराई जितनी भी मन है सियाणप जितनी इकट्ठी की है इनू पासे कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्पता जिथे तेरा तन इत्थे गुरु दे हजूरी च आके झुकदा है मन भी झुका इत्थे धन दी गल नहीं कीती वैसे तन मन धन आंदा है पर इत्थे गुरु साहब कहिंदे तन मन अर्प कर उत्थे अर्पित कर दे जिथे तेरा शरीर झुकदा है आके मत्था टेकदा है किते तेरा मन भी झुक जावे ते गल बन ना जावे। असी इत्थे आके असी शरीर भी झुकाउंदे हाँ गुरु नूं जो अपनी जेब विचों जितना भी साडी औकात है हैसियत है असी गुरु नूं कुछ भेट करदे हाँ चौर साहब की सेवा भी करते हाँ हुक्मनामा भी सुनते हाँ लंगर विच भी सेवा कर लेंदे हाँ जोड़ियां की सेवा भी करते बर्तना की सेवा भी करते हाँ लंगर बरताउन की सेवा भी करते हाँ सारिया सेवावां हन कबूल हन पर सब तो वड्डी सेवा है गुरु के चरण परसने गुरु के शब्द का अभ्यास करना यह सब तो वड्डी सेवा। गुरु कहते हैं कि तू आके तेरा शरीर झुकता है पर मन नहीं झुकता सारी उम्र होगी मत्थे टेकदे आ तेरा मन क्यों नहीं झुकता। गुरु कहिंदा मैनूं तेरा मन चाहिदा है मन असी देना नहीं चाहुंदे मन नहीं देना चाहुंदे पर गुरु कहिंदा है ठीक है जो कुछ अर्पित किया है तू भावें तू बहुत किया है पर मैनूं तेरा मन चाहिदा है। गुरु कहते हैं मैनु तेरा मन चाहिदा है पर मन असी देके राजी नहीं फिर गल किथे बनेगी खेड किवें बनेगी। इसी करके अरदास बेनती जिवें गुरु साहब ने सानू करके दसी बेनती गुरु साहब नू कोई जरूरत नहीं सी वो ते आप जुड़े सन वो ते आप निरंकार रूप सन। हाँ जिवें अध्यापक रोज लैसन पढ़ाता है ना क्लास में जाके अध्यापक में थोड़ी जरूरत है वो तो पढ़ के पास होके नंबर लैके तुहानू पढ़ाने लगा है उन्हें जरूरत नहीं वो तुहानू समझा रहा है भी एवें जीवन च विचरना है एवें ही जितनी बाणी गुरु ने अर्जित की है गुरु साहब नू जरूरत नहीं सी वो तो अकाल रूप सन। हाँ असी भटकियां होयां नू सानू सीधे राह ते पाउण वास्ते सानू समझाउण वास्ते कि किवें गुरु दे अगे झुकना है किवें गुरु अगे बेनती करनी है किस तरह जाके गुरु के द्वारे ते जाके जिथे तन अर्पित करना जिथे धन अर्पित करना उथे हो सके अपना मन अर्पित करिए।
मन क्यों नहीं अर्पित करते? क्योंकि जीवन विच विचरदे हां असीं सारे काम अपनी मर्जी नाल करदे हां। जिस काम नूं साडी मर्जी ना करे असीं नहीं करते, चाहे लख जोर ला लो, वो कहिंदा मेरा दिल ही नहीं करता। आओ सत्संग ते चलीए, नहीं मेरा दिल ही नहीं करता। आ जाओ फलानी चीज़ खाइए, मेरा दिल ही नहीं करता। जिथे दिल करता है उत्थे आप ही भज्जिया जाता है। कहन की भी जरूरत नहीं, कहन की भी जरूरत नहीं। मुड़े लाहे को तू ढीला ढीला, टोटे को बेग धाया रे मुड़े। हुण मूड़ा किनू कहिंदे हन? मूर्ख नूं। बेवकूफ लोग जिहड़े हुंदे हन, भाव जिन्हों एक बारी समझाओ, दो बारी समझाओ, तीन बारी समझाओ। अपने बच्चे नूं आपां समझाइए ना एक बारी, दूजी बारी कहना पै जाए असीं काले पै जांदे हाँ, तीजी चौथी बार भी नहीं समझे असीं कहिंदे तू मूर्ख है, तैनूं समझ नहीं आउंदी। ते गुरु साहब बिल्कुल शब्द कहिंदे रे मूड़े, ओ मूर्ख इंसान गल सुन, लाहे को तू ढीला ढीला। जिंदगी विच या लाहा है या तोट है, भाव फायदा नुकसान। जिथे तेनों फायदा है उत्थे तो ढिला हो जाता है, तो जिथे तेनों नुकसान होना उत्थे तो भज्जिया जाता है। लाहे को तू ढीला ढीला, तोटे को बेग ताया, बेग मैंने बड़ी जल्दी क्विक एकदम भजदा है। पर बेनती राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, रखिया करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। फरीद साहब कहते सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास, एहो तन लहरी गड थेया सच्चे तेरी आस। सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास, सरवर पंखी।